अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल व्यूअर्स। ये देखिए आज का इनका नाश्ता, और कितनी बदतमीजी से खा रहे। अब्दुल पंदा लगा हुआ है, थोड़ा सब्र। हेलो करें, पहले हेलो करें, सही से हेलो करें। चम्मच आपको भी चाहिए? आपने चम्मच की दी जोनू की। जोन आप भी हेलो करें। आप दूसरा डिप कर लें। और जी हल्का फुल्का सा नाश्ता करने के बाद ही, बल्कि पहले ही मैंने कीमा चढ़ा दिया था, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, तो इस वजह से दोपहर में भी कुछ बनाना है और टाइम बहुत ओवर हो रहा है, तो सारे काम जल्दी जल्दी करने होंगे। नमाज़ भी पढ़नी है, कपड़े भी प्रेस करने हैं, तो फिर मैंने कहा साथ ही ये भी बनता रहेगा दोपहर में, क्योंकि फिर अब सही से नहीं खाया था तो दोपहर में भूख लगेगी, तो फिर मैंने ये चढ़ा दिया था। उसके बाद सफाइयाँ भी करनी है अभी। और जी टाइम बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, ख़तरनाक वाला, और अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर बस जल्दी जल्दी करने में लगे हुए हैं। और जी तैयार है मज़ेदार सा कीमा, और क्योंकि नाश्ता सही से नहीं करा था तो कीमे के साथ मैंने बना लिए हैं हल्के से आयल वाले पराठे, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी पहला बाइट। जी ये पहला प्यारा सा बाइट मेरे प्यारे से हस्बैंड के। मुझे कौन खिलाएगा? मेरे हाथ नहीं है ना। मजा आ गया। एक बच्चा सो रहा है और दूसरा बच्चा कह रहा है आलू का पराठा चाहिए। अभी जो बनाए ना वो इंजॉय करनी। चले आलू का पराठा जी आए दिखाती हूँ। और जी इसे चेक करें, ये परांठे खोल खोल के देख रहे हैं कि इसके अंदर आलू कहाँ है। चेक करें ये मामा ने बिल्कुल बंद करके बनाया, दिखेगा नहीं कुछ भी। इतना गुच्छा छोड़ी हुई शक्ल। आलू का पराठा? आलू ही नहीं है यार, आलू बहुत महंगे चल रहे हैं आजकल। क्या कर रहे हो यार? यार जो बनाए ना वही खा लें, इंजॉय कर लें। इसे नाराज, इतनी बुरी शक्ल बना के ना मीना बैठो ना नाराज होके जा रहा हूँ, नाराज होके जा रहा हूँ बेटा। ये देखें ये नाराज हो गया। ये भी तो नाराज होते हैं, इन्हें भी तो पता है नाराज कैसे होते हैं, कैसे होना है। इनकी उम्र में हमें पता ही नहीं होता था क्या बना है क्या नहीं बना, कैसे खाना है कैसे नहीं खाना, बस खाने से मतलब होता था, मतलब तो पेट भरने से मतलब होता था। और जी हम लोग जा रहे थे कुछ सामान लेने बच्चों का, और मेरा जाने का मूड नहीं था, लेकिन फरकान ने कहा था चल दो, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और मैंने कहा अगर रास्ते में बारिश हो गई तो फिर कहने लगे नहीं इधर ही करीब से तो आ जाएंगे, कोई बारिश नहीं होगी आज, चलते ये रहे हम आ गए। अरीब करीब नहीं जाना था हमें, तो ये मौसम चेक करें, ऐसा लग रहा था कि बस अभी बारिश हो जाएगी। और ये खड़े हुए फुरकान जी और बच्चे आइसक्रीम लगा रहे, बाबा आइसक्रीम लाए, बाबा आइसक्रीम भी लेकर आए। बच्चों का दूध वगैरह लेना था तो इस वजह से हम लोग आए थे, तो फुरकान लेकर आ गए थे कि चलो थोड़ा मौसम भी इंजॉय कर लेना।
और ये बच्चों की आवाज़, ये देखिए गंदा बच्चा मिट्टी से खेल रहा था, और ये आइसक्रीम की आवाज़ें लग रही थी। आइसक्रीम शक्ल तो देख लो, आइसक्रीम वाले बच्चे, क्यूटू आइसक्रीम वाले बच्चे। हाय ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, सब जगह बारिश हो रही है, न जाने क्यों, बस हमारे कुरंगी में ही नहीं हो रही है। हो जाए तो मज़ा आ जाए। ये तो बिल्कुल लग रहा है ना कि बारिश होने वाली है। और देखो वहाँ बच्चे जंपिंग कर रहे थे और मेरे बच्चे देख रहे थे। मेरे बच्चे सिर्फ देखते ही हैं बच्चों को, दूसरे बच्चों को खेलते हुए, खुद तो कुछ करते नहीं है। मामा दल्लल्लाए ने हर चीज़ से ही डर लगता है। देखिए कैसे देख रहा है बच्चों को, मामा दल्लल्लाए, मामा दल्लल्लाए। और जी फुरकान जी ने ले लिया था सामान, और बच्चों ने पहले सामान चेक करा, पावन आइसक्रीम रखी है कि नहीं रखी। उसके बाद ये देखेंगे, चेक कर रहे हैं, आई ये खुश, ये खुश, डांस खुश, आइसक्रीम आ गई भाई। और आते ही घर पे निकली है इन लोगों की आइसक्रीम, ये देखो कैसे खा रहे हैं, और गिरा भी रहे, खा भी रहे, गिरा भी रहे, गंदे बच्चे, और नीचे से फिर उठा भी रहे। जाया नहीं करना चाहिए ना कोई चीज़, रिस्क है, खाने पीने की चीज़ है ये, ऐसा हमें जवाब देते हैं। जब इनकी मनपसंद चीज़ नीचे ज़मीन पर गिर जाती है ना, तो उसको खाने के लिए उठा के खाने के, मामा बुरी बात, रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये पिद्दे पिद्दे से अंकल भी, ये देखिए मैं बोल रही हूँ मैं खिला देती हूँ, नहीं खुद ही को खानी है ना, मामा से खा ले, नहीं मामा मैं खुद खा लूँगा। मैंगो क्योंकि क्योंकि अब्दुल मनान को जूस पीना है, और वो बहुत देर से ज़िद कर रहे हैं, बहुत देर से नहीं सुबह से ज़िद कर रहे हैं कि मैंगो का जूस पीना है। तो फिर शुरू करते हैं इनकी कटिंग, दैन फिर मिल्क शेक बनाते हैं। मैंगो मिल्क शेक, और जी इनको फील करने के बाद अब मैं कर रही हूँ इनको कट। देखिए इनको कट करने के बाद हम बनाएंगे इनका ज़बरदस्ता मिल्क शेक, और अब्दुल मनान को देंगे सरप्राइज़। आप लोगों को तो पता ही है कि अब्दुल मनान कितने शौक से खाते हैं। और जी ये हमारे ब्लेंडर में जा रहे हैं हमारे मैंगो चंक्स। और जी जवान से इंतज़ार नहीं हो रहा है तो एक जवान को भी दे देते हैं। ऐड सम शुगर, और ये हमने इसके अंदर मिल्क भी ऐड कर दिया है। अब हम करेंगे इसको ब्लेंड, ये देखिए जी। और जी तैयार है मज़ेदार सा मैंगो मिल्क शेक। जी इनको चेक करें, दोनों बच्चों को अपने अपने गिलास लेके घूम रही है। नहीं दूंगी, नहीं ये क्या चाहिए, जूस। कौन सा जूस, जे वाला। नाम क्या है जे वाले जूस का, मैंगो जूस। शक्ल देगी, मैंगो जूस पियेंगे। और जी जूस मैंने पी लिया है, ख़त्म हो गया है। और जी अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू देने आई हूँ यहाँ ऊपर का,
अभी मगरिब का टाइम हो रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कोई प्यारा मौसम हो रहा है ना, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और जी ये देखें, यार ये कैमरे में सही नहीं आ रहा, वाइट वाइट आ रहा है जबकि मौसम हो रहा है येलो, बिल्कुल पीला पीला मौसम हो रहा है। और ये कैमरा तो दिखा रहा है नॉर्मल मौसम, ये देखें चेक करें ज़रा व्यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदराबाद में और KGM यहाँ मीरपुर ख़ास सब जगह बारिश हुई है, कराची के भी कुछ इलाकों में बारिश हो गई है लेकिन हमारे यहाँ कोरंगी में नहीं हुई है अभी तक, देखते हैं कब होगी कोरंगी में। बहुत ही प्यारा मौसम, ये देखें मगरिब का टाइम होने वाला है अभी बिल्कुल बस, और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है। तो वो इसी के साथ व्लॉग को यहाँ करते हैं एंड, जा रहे हैं खुश रहें आबाद रहें अपने अरीबी करीबी लोगों का ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। देखें हवाओं में उड़े हैं, ये बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं यहाँ से, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। बर्ड्स भी दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, या अल्लाह थोड़ी सी बारिश दे दे।